जंगल में भानु नाम की शेरनी अपने नवजात बच्चे को लेकर तेजी से भागती हुई एक गुफा के सामने आती है। भानु शेरनी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। बस यह जगह मुझे सही लग रही है, अब मैं अपने बच्चे को लेकर यहीं रहूंगी। अगर उन दुष्ट बाघों को मेरे बच्चे के बारे में पता लगा तो वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेंगे। आखिर भानु शेरनी अपने नवजात बच्चे को लेकर यहाँ क्यों आई थी और वह किन बाघों के बारे में बात कर रही थी, तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल आज से एक वर्ष पहले रघु शेर अपनी पत्नी भानु के साथ वृंदावन जंगल में रहता था। भानु शेरनी गर्भवती थी और जल्दी वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। भानु शेरनी अपने बच्चे के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और जल्द ही वह दिन भी आ जाता है जब भानु शेरनी एक नन्हे सुंदर सफेद शेर को जन्म देती है। रघु शेर ने अपने बेटे का नाम वीरू रखा था। रघु और भानु अपने बेटे वीरू को देखकर बहुत ही खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर पड़ गई थी। एक चीता छिपकर रघु और उसके बेटे को देख रहा था। यह देखकर चीता तेजी से वहां से भागता है और भागता हुआ पंखों वाले शेरखान बाग के पास पहुंचता है। वह चीता शेरखान बाग का एक जासूस था जो जंगल की खबरें लाकर शेरखान बाग को सुनाता था। शेरखान बाग, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हाँ चीता, आज तुम मेरे लिए क्या खबर लेकर आए हो, जल्दी बताओ, अच्छी खबर सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। शेरखान महाराज, आपकी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। रघु शेर की पत्नी भानु ने एक सफेद शेर को जन्म दिया है महाराज। चीता, यह तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उस सफेद शेर को देखा है। दरअसल शेरखान बाग ने कुछ समय पहले एक सपना देखा था कि अगर वह 10 वर्ष बाद आने वाली अमावस्या की रात को एक सफेद शेर की बलि देता है तो उसे अमर होने वाली अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होंगी। बस इसी वजह से शेरखान बाग सफेद शेर के खून का प्यासा हो गया था और बरसों से भानु शेरनी की संतान आने का इंतजार कर रहा था। अरे वाह चीता सिपाही, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है, अब मेरे बरसों की इच्छा जल्द पूरी हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब मुझे बस रघु शेर से उसके बेटे सफेद शेर को लेकर आना है। चीता सिपाही, तुम मेरा संदेश लेकर इसी समय रघु शेर के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे उसका बेटा इसी समय चाहिए। तब चीता सिपाही फौरन रघु शेर के पास पहुंचता है और शेरखान बाग का संदेश रघु को सुनाता है। चीता सिपाही की बात सुनकर रघु शेर बहुत गुस्से में आ जाता है। चीता सिपाही, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की, तुम मुझसे मेरे बेटे को छीनने की बात कर रहे हो, जाओ और जाकर अपने उस शेरखान बाग से कह दो मैं उसे अपना बेटा कभी नहीं दूंगा और आज के बाद वह ऐसा ख्याल अपने दिमाग से भी निकाल दे। चीता सिपाही, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं अपना सब्र खो दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। तब चीता सिपाही वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वहीं रघु शेर इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। शेरखान बाग का संदेश सुनकर उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। रघु शेर सारी रात इस बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह रघु शेर अपनी पत्नी भानु से कहता है, भानु मुझे पता है वह शेरखान बाग बहुत ही जिद्दी और जालिम है, वह मेरे द्वारा ठुकराए गए अपने प्रस्ताव को अपनी बेइज्जती समझेगा और जबरदस्ती हमारे बेटे को हमसे छीनने की कोशिश करेगा। इससे पहले वो दुष्ट बाघ अपने सैनिकों को लेकर हमसे हमारा बेटा यहाँ छीनने आए, हमें अपने बेटे को लेकर यहाँ से फौरन निकलना होगा। रघु शेर अपनी पत्नी से यह सब कह ही रहा था कि तभी शेरखान बाघ अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँचता है। क्या हुआ रघु शेर, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, तूने मेरी बात न मानकर मेरी बेइज्जती की है। रघु शेर, मैं तुझे एक मौका और देता हूँ, तू इसी वक्त अपने इस बेटे को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे और तेरी पत्नी को जीवित छोड़ दूंगा। शेरखान बाग, मेरे जीवित रहते मैं अपने बेटे को तेरे हाथों में कभी नहीं दूंगा। भानु तुम हमारे बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इन दुष्ट बाघों को देखता हूँ। तब भानु शेरनी अपने बेटे वीरू को लेकर तेजी से वहाँ से भागती है। उधर वह शेरखान बाघ अपनी सेना के साथ रघु शेर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। तो इसलिए भानु शेरनी अपने बेटे वीरू को लेकर दूसरे जंगल में आ गई थी। अब भानु शेरनी को अपने बेटे के वीरू के साथ रहते हुए कई वर्ष बीत गए थे। भानु शेरनी का बेटा वीरू अब जवान हो गया था और एक ताकतवर सफेद शेर बन गया था। तब एक दिन भानु शेरनी अपने बेटे वीरू से कहती है, वीरू बेटे अब वक्त आ गया है, हमें अपने जंगल वापस लौटकर तुम्हारे पिता की मौत का बदला उन दुष्ट बाघों से लेना है। अब भानु शेरनी अपने बेटे वीरू को लेकर एक पंडित जी के पास पहुंचती है और पंडित जी को सारी बात बताती है। तब पंडित जी वीरू शेर को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं।
तब वीरू शेर उन शक्तियों के साथ अपनी माँ को लेकर अपने जंगल वापस लौटता है। अरे दुष्ट शेर खान बाघ, आज तुझे अपने सारे कर्मों का हिसाब देना होगा, आज तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तब वीरू शेर गुस्से से आग बबूला होकर अपनी शक्तियों से शेरखान बाघ की सेना पर हमला करता है। वीरू शेर की शक्तियों से शेरखान बाघ और उसकी सारी सेना वहीं जलकर भस्म हो जाती है। यह देखकर भानु शेरनी बहुत खुश होती है और फिर भानु शेरनी अपने बेटे वीरू के साथ अपने जंगल में फिर से हंसी खुशी रहने लगती है। एक बार कालिया नाम का एक बाघ अपनी सेना लेकर सुंदरवन जंगल पर हमला कर देता है और वीरबान शेर की गर्भवती पत्नी भानु शेरनी को जबरन बंदी बना लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बेचारी भानु शेरनी कालिया बाघ से रहम की भीख मांगती है। अरे कालिया बाघ, मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम कर, ने तेरा क्या बिगाड़ा है। भानु शेरनी, तुम बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगी हो, तुम्हारे गर्भ में जो संतान पल रही है वो मेरा भविष्य बदल सकती है, इसलिए जब तक तुम्हारी संतान इस दुनिया में नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे पास बंदी बनकर रहोगी। आखिर कालिया बाघ भानु शेरनी की संतान को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रहा था, तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले वीरबान शेर अपनी पत्नी भानु शेरनी के साथ सुंदरवन जंगल में एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। आज का दिन वीरबान शेर के लिए बहुत ही खुशी भरा था क्योंकि अभी अभी हकीम भालू ने भानु शेरनी की गर्भवती होने की खबर वीरबान शेर को सुनाई थी, जिसे सुनकर वीरबान शेर के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जाओ हकीम भालू और सारे जंगल में जाकर ढोल बजाओ और ढोल नगाड़ों के साथ इस खबर को पूरे जंगल में फैला दो और सबको बता दो कि मेरा बेटा आने वाला है, जाओ भालू जाओ। अब वीरबान शेर के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन एक पंखों वाला रंगीन शेर आसमान से उड़ता हुआ वीरबान शेर के पास आता है। सुनो वीरबान शेर, मैं एक जादुई दुनिया से आया हूँ, एक दुष्ट कालिया बाघ ने हमारी जादुई दुनिया पर कुछ दिनों पहले हमला करके हमारे महाराज गोल्डन शेर को कैद कर लिया है। वो दुष्ट कालिया बाघ हमारे महाराज पर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन शेर भाई मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। वीरबान शेर, हम सब रंगीन शेरों पर एक श्राप लगा हुआ है, हम सब मिलकर भी अपने महाराज गोल्डन शेर को उस दुष्ट कालिया बाघ की कैद से आजाद नहीं करा सकते, केवल एक साधारण सच्चे दिल वाला ही हमारे महाराज को आजाद कर सकता है, और जहाँ तक मुझे पता है इस धरती लोक पर तुमसे सच्चा दिल वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम हमारी मदद करो, तुम इसी समय मेरे साथ चलो। रात होते ही कालिया बाघ और उसके सभी सैनिक सो जाते हैं, तुम्हें आज रात ही हमारे महाराज को आजाद करना है, अब देर ना करो। तब वीरबान शेर रंगीन शेर के साथ उसकी जादुई दुनिया में आ जाता है। रात होने पर जब काले बाघ और उसके सभी सैनिक सो जाते हैं तब वीरबान शेर अपनी पूरी ताकत से उस पिंजरे को तोड़कर गोल्डन शेर को आजाद करा लेता है। गोल्डन शेर वीरबान शेर की बहादुरी देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह वीरबान शेर, मैं तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ, मुझे पता है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हारी आने वाली संतान को एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी संतान जन्म के साथ ही अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा होगी, उसके अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होंगी जिससे कोई भी उसका सामना नहीं कर सकेगा, और तुम्हारी संतान इस धरती लोक पर राज करेगी। लेकिन वहीं गोल्डन शेर की ये सारी बातें कालिया बाघ का एक सैनिक चुपके से सुन लेता है और अपने महाराज कालिया बाघ के पास जाकर सारी बात बताता है। अच्छा, तो उस गोल्डन शेर को आजाद करने वाला वो वीरबान शेर है। वीरबान शेर, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना जिस आने वाली संतान का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मैं उस संतान को तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारी उस संतान की सारी शक्तियाँ छीन कर उसे खत्म कर दूंगा, फिर मैं उस गोल्डन शेर को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वह कालिया बाघ वीरबान शेर की संतान का जानी दुश्मन बन गया था और अब कालिया बाघ भानु शेरनी को बंदी बनाकर अपने पास ले आया था और अब वह भानु शेरनी की संतान का जन्म लेने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बस अब थोड़े दिन की बात है, भानु शेरनी की संतान जल्द ही जन्म लेने वाली है, अब मुझे इस धरती लोक पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं वीरबान शेर बहुत बहादुर था, वह हार मानने वालों में से नहीं था। वीरबान शेर ने भी ठान लिया था कि वह कालिया बाघ को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। एक दिन वीरबान शेर रंगीन पंखों वाले शेरों को मदद के लिए बुलाता है और उनकी रंगीन शेरों की सेना लेकर कालिया बाघ के ठिकाने पर पहुंचता है। रंगीन शेरों की विशाल सेना देखकर कालिया बाघ और उसके सैनिक थरथर कांपने लगते हैं। अरे दुष्ट कालिया बाघ, तूने एक गर्भवती शेरनी को कैद करके बहुत बड़ा पाप किया है, अब तू नहीं बचेगा। गोल्डन शेर की ये बात सुनकर कालिया बाघ की हवा टाइट हो जाती है, वह उसी समय भानु शेरनी को आजाद कर देता है और अपने सैनिकों को लेकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है।
वीरभान शेर अपनी पत्नी भानु को लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है। अब कुछ दिन बाद भानु शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है। वीरभान शेर और भानु शेरनी अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।